बोहार किसी को उम्मीदवार कथा अब भसती होड़ा भारत दिसम रे आडी सांगे आदिवासी मेना को कोकोई को लेखा के मेना को और अब तो वो गुजुग कना दिन को गुजुग कना कारण जहां समाज हासा भाषा जति धर्म रोजगार इज्जत आबादी के भय ताहना इनखान उन्हीं तो जानवर कना होड़ रे बाय लिखा तो अब 75 साल हुए ना दिसम फुरगल करते होड़ लेखा अब गिनती बनू और चेदा बनूगा अब जुमित बनू को एकता नहीं है आंदोलन नहीं है तो बिना बृहद एकता और बृहद निर्णायक आंदोलन के हम आदिवासी इस देश में गुलाम बन के रह जाएंगे आजाद नहीं होंगे तो तेला बन लगी अब पिया कमीते हुई हुआ और पिया जिनिस उयर हुई हुआ जहां तिना के आदिवासी होड़ में ना हुआ संगठन में ना आ नेता को में ना हुआ पिया जिनिस बहुरे उयर दरकार वंचन लगी पहला एजेंडा मुद्दा जो आदिवासी समाज को बचाना है तो हासा भाषा जाति धर्म रोजगार इज्जत आबादी को बचाना होगा संविधान कानून में प्रदत्त अधिकार को बचाना होगा नवा हुई ना एजेंडा तो आप तलारे अड़ीगान संगठन तो एजेंडा बनू बिकनी का कोई जो न्यू को एन एच सर टाइम पास दो साफ जिनिस उहर तो हो युवा एकता एकता तो ब्लॉक लेवल से जिले लेवल में तो बांगे भारत लेवल और विश्व लेवल में पूरा धरती रिन आदिवासी एक युवा मारंग तारे रूप लगी ते सांगे उड़को लगती का तो सांताल मुंडा और कड़िया भूमिज बिरहोड़ या जितने भी आदिवासी हैं हम लोग को एक होना पड़ेगा सरना धर्म लेना है तो आज संताल प्रतिनिधि आए हैं मैं खुश नहीं हूँ मेरे मन में बहुत दुख है कि रांची में 10 लाख आदिवासी है कोटी में 4 लाख है लोहरदगा में 2.5 लाख है मुंडा उरांव ज्यादा है खड़िया भी है वो क्यों नहीं आते हैं क्यों नहीं साथ देते या वो बुलाए हम साथ देंगे तो इनको सरना चाहिए कि नहीं पता नहीं तो सरना का दुकान खोल के रखा है तो ये ठीक नहीं है जब तक भारत के 15 करोड़ आदिवासी और झारखंड चूंकि सरना का केंद्र है यहाँ करीब 46 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखा है अभी कुछ लोग आदिवासी धर्म ट्राइबल धर्म या क्या क्या नाम लेते हैं लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 25 लाख लोग सरना धर्म लिख दिया आप दूसरा नाम लेके 25 लाख लोगों का अपमान करते हैं 25 लाख लोगों को आप साथ नहीं देते हैं ये गलत है अरे सरना धर्म का मतलब क्या है प्रकृति धर्म तो बाकी जो भी नाम से धर्म मांग रहा है वो कौन लोग है जो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है प्रकृति पूजक है तो सरना धर्म का ब्रैकेट में लिख दो प्रकृति धर्म तो सबके लिए हो जाएगा लेकिन नया नया नाम लेके नया नया दुकान खोल के रोज इधर उधर मीटिंग करना ये आदिवासियों की एकता को तोड़ने का काम है इधर भारत सरकार का एक मंत्री भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया क्या बोल दिया पहले भारत में 730 प्रकार के आदिवासी हैं आप लोग एकजुट हो जाओ एक नाम पर सहमति बनाओ अरे बाकी लोग एकजुट होगा कि नहीं होगा उसका हम जीवन लिए हैं 50 लाख लोग आदिवासी बोला है सरना और 44 लाख जैन बोला है अपना जैन धर्म तो जैन से हम सरना ज्यादा है तो जैन को मिल गया मान्यता हमको क्यों नहीं दोगे तो ये सरना धर्म के लिए या भारत के आदिवासियों को न्याय के लिए बृहद एकता चाहिए तो जो आप लोग छोटे बड़े संगठन चलाते हो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि छोटे संगठन से बड़ा काम नहीं होगा हम लोग को बड़ा नेता बड़ा नीति बड़ी रणनीति बड़ा कार्यक्रम या एक्शन प्लान और बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा सालखन बुर्रू यदि सक्षम है तो साथ दीजिए नहीं तो हमसे बेहतर कोई नेता सामने लाइए आदिवासी नेता हम साथ देंगे क्योंकि बड़ी एकता की जरूरत है अन्यथा अपना अपना कुंडी खोल के
दुकान चला के हम लोग आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये हुआ बृहद एकता की बात। तीसरी बात है, तेसर कथा हुई कना समाज सुधार। आदिवासी समाज में कभी समाज सुधार नहीं हुआ है। ये जो परंपरा प्रथा और रूढ़ी के नाम से डाइन प्रथा या नशापन या अंधविश्वास या महिला विरोधी मानसिकता या ईर्ष्या द्वेष या वोट को अणिया दारू में बेचना या धर्मांतरण गांव गांव में हो रहा है, तो हमारा प्रथा परंपरा रूढ़ी का जो अगुआ लोग है ये सोया हुआ है क्या? ये कुछ नहीं करता है। तो हम लोग को भी भारत देश में हिंदू समाज में सती प्रथा था। 200 साल पहले एक आदमी उसका विरोध किया, राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजों ने मदद दिया तो खत्म हो गया। तो हमारे समाज में एक नहीं अनेक सती प्रथा चल रहा है, तो हमको इसको ठीक करना होगा, नहीं तो गांव के लोग कभी एकजुट नहीं होंगे। और इसलिए हमने सोचा है, और आदिवासी सिंगल अभियान इस काम को आगे बढ़ा चुका है कि गांव के जो माझी परगना मन की मुंडा ढोकलो सुहाग पढ़ा पंचायत है, इनको गांव के सभी स्त्री पुरुष मिल बैठ के वो लोग चुने, ना कि आसमान से एक पियकर अनपढ़ आदमी ना समझ आदमी गांव को चलाएगा और उस पियकर के साथ अधिकांश नशा करने वाला दलाल लोग रहता है। तो आदिवासी जागेगा कब, जुड़ेगा कब? तो समाज सुधार भी जरूरी है। तो बोहार मिसी को पिया कमी लिए पे कहना नोआ अब कमी करते देखा हुई अब पहला कमी तो हुई कहना चाबोरिन अतु अतु रे संतार परिन माझी बाबा में नक हुआ नुकु माझी बाबा को सेन करते वो कुली हुआ चेता आपके बापे गुड़ों कहना सरना धर्म बोर्ड आंदोलन लगी संताली राजभाषा लगी और अब जति जुड़ू बंचाव लगी भाषा जुड़ू बंचाव लगी बोलो बड़ा गिद्र को नौकरी बंचाव लगी बाप में गुड़ था अतुरिन कोड़ा कुड़ी दुड़ पते आले से ये मछली बनावें आप में कारण तो आले बोले बुझुआ। अच्छा पढ़ा बोलेगा आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। माँ ती था यो पते को सराव को ये आनंदपुर पश्चिम सिंहभूम जिला से हम लोग का मुंडा और भाई लोग आए हैं, इनको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जोआ। अच्छा ना दो बाबू बेटाए ना पे बेटाए ना पे ना दो पे दुख पे तब मीटिंग चला उतना चलो सरना धर्म जिंदाबाद ठीक है पर क्या पर दुख पे तब। तो पिया कमी ले पिया और इन कथा मुचेदा पहला कमी तो हुयुक कना आतुरेन माझी को वो सेन्याम को आ कुली को आ वो आदिवासी बंचाव कमी रे पे गोड़ो अच्छे भांगे बापे गोड़ो था नवा इंजिन नवा कैप्टन ले बनावया संगेल माझी संगेल परिवार संगेल परगना आर बंखान आबो जेते नुकुर पुल मताल मुरुग माझी को कारण को गुजुका उहर पे मिटे अतु रेलगाड़ी का नाम ओना रेलगाड़ी रे इंजिन दो कना माझी बाबा आर इंजिन के बुल मताल को बाय इनखान डब्बा चे लिखा रे बोरा आर नोआ कारण तगे गोटा भारत आदिवासी को गुजुक कना तायम कर अतो चेक पे मेने आ माझी बाबा को बको गोड़ो खान को बदल को चे बंगे तीना घर पे मैंने आपको बदल को हमसे तीतुल पे तो बदल लगी हिम्मत दरकार पा पोचरा खान पे गुजू आप पे गिद्रे हो पे कोई जटो कर तो नवा हुई ना पहला कथा दोसार तो हुई उठाना आदिवासी सेगल सेना हर एक प्रखंड में सेगल सेना बनाना होगा। आरएसएस वाला केडर बनाया है और गुलाम भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए उन लोग मेहनत किया 100 साल। हम लोग के पास 100 साल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे और एक साल हो सकता है। तो हर प्रखंड में कम से कम 100 सिंगल सेना आदिवासी पुरुष और स्त्री को बनाना होगा। नाम लिखो एड्रेस लो और फोन नंबर और उन लोग को ड्रेस देंगे टोपी देंगे ट्रेनिंग करेंगे।
ताकि गांव को जगह ना होगा सिंगल सेना से। और तीसरा काम है एक नेता एक गांव। आप लोग जितना लोग आए हैं अधिकांश सिंगल अभियान के कार्यकर्ता है, हर आदिवासी सिंगल अभियान का नेता कार्यकर्ता को एक गांव जीमा लेना है, 30 दिन उस गांव में जाना है, सेनो हुई और सब परिवार से मिलना है और उन लोगों को बताना है कि तुम मारे जाओगे, मर रहे हो, तुम्हारा धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, जमीन लूटा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इज्जत भी लूट लिया जाएगा, जमीन भी लूट लिया जाएगा। और पूर्व भी मातों के साथ साथ अभी तेली बनिया कुमार मुसलमान भी आदिवासी बनना चाहता है, कहाँ जाओगे? तो सावधान हो जाओ, एकजुट हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो नोआ पिया कमिया और नोआ बात ते इंज आर मैडम अपिया गड़ोते अली लीन बिचेर कहा जे जेते ब्लॉक रे नी दिन रिया को सभाया और जेते सिंगल सेना और अपने नेता कार्यकर्ता समर्थक को सला अब वो बेस सही को गल करा हुआ। और नहीं तो अभी हम लोग भारत के 7 राज्यों के झारखंड बंगाल बिहार उड़ीसा असम त्रिपुरा और अरुणाचल में काम कर रहे हैं। 50 आदिवासी बहुल जिलों के लगभग 400 आदिवासी बहुल प्रखंडों में और सभी प्रखंडों में सिंगल का मतलब आग होता है, आग जलना शुरू किया है। लेकिन हम तब भी अपने बात समाप्त करने के पहले रांची में जो मुंडा उरांव और खड़िया आदिवासी हैं उनसे प्रार्थना है, या तो आप कुछ बड़ा आंदोलन करो, हमको बुलाओ, हम साथ देंगे, या हम कोई बड़ा आंदोलन करें, आप साथ दो, अन्यथा ये धोखेबाजी है। आज भी धोखेबाजी हुआ और इस पूरे धोखेबाजी का षड्यंत्र एक ही आदमी है, एक आदमी जो पूरे एकता को तोड़ दिया, जबकि घोषणा हो चुका था कि हम लोग एकजुट होकर मोराबादी मैदान में जमा होंगे और इतनी बड़ी ताकत खड़ा करेंगे कि भारत देश की राजनीतिक दलों को सनातन धर्म कोड को चुनावी मुद्दा बनाना पड़े, तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे। अभी हम रांची गुमला लोहरदगा खूंटी सिमडेगा क्षेत्रों में नहीं गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में संताल आदिवासी नहीं है, लेकिन आज हम बहुत खुश हैं ये जो मुंडा भाई लोग खूंटी क्षेत्र से आए हैं सरना धर्म सतो समिति की तरफ से, और इस काम को आगे बढ़ाने में ये कांडिल जी इनका बड़ा सहयोग है, इसके लिए हम काफ़ी धन्यवाद देंगे। और उसी प्रकार पश्चिम सिंहभूम जिला राउरकेला के पास से कुछ हो भाई लोग चाईबासा तरफ से सरायकेला से और कुछ मुंडा भाई और उरांव भाई लोग आए, मतलब 100 किलोमीटर दूर वाला आ गया और यहाँ वाला सो रहा है, जबकि सब खबर कागज में कल भी छपा आज भी छपा कि आदिवासी को सरना धर्म कोड लेना है और यहाँ 50 को सरना धर्म संगठन है। मुझे लगता है शायद ये दुकान है, इनको सरना धर्म लेना नहीं है, दुकान चलाना है, चंदा लेना है, लोगों को बेवकूफ करना है। तो हमको इन संगठनों से ज़्यादा चिंता नहीं है, आदिवासी नेताओं से भी चिंता नहीं है, मान की मुंडा माझी परगना से भी चिंता नहीं है, हमको चिंता है आदिवासी जनता से। और इस जनता को हम जोड़ के रहेंगे और हमारा आपको हम बताना चाहते हैं।